हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मधु किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी क्रंची क्रिस्पी आलू की पूरियाँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आलू की पूरियाँ का बिल्कुल सही तरीका आज मैं मधु किचन में आपको बतलाऊंगी, ना ही तो ये फटने की और बहुत ही सुंदर सीख कर तैयार होएगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आलू की पूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बॉईल आलू। ये मैंने दो बड़े आलू को बीच में से काट के उबाल लिया है, अब हम इन्हें छील लेंगे। मैंने इन्हें बीच में से इसलिए काटा है क्योंकि हमारे आलू बड़े बड़े थे, वरना अगर मैं काटती नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते, इसलिए मैंने इसे बीच में से दो पीस करके उबालने के लिए रख दिए थे। ये आलू अब हमारे छिल चुके हैं, अब मैं आलू को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब हम अपना पूरियों का डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए, 1.5 कप हम गेहूँ का आटा लेते हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, नमक हमें हल्का ही रखना है। 1/4 चम्मच मैं इसमें अजवाइन डालूँगी और 1 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस टाइम। जो हमने इसमें ऑयल डाला है उसकी गांठें हमें सारी खोल लेनी है और आटे को एकदम मिक्स कर लेना है। देखो, अब हमारा आटा सारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, जो कि मैंने पहले भी आपको रेसिपी में बतलाया है, पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालना चाहिए। अब हम इसे डो अपना अच्छे से गूंथ लेंगे। ये हमारा डो एक तैयार हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। अब हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। अब मैं एक कद्दूकस की हेल्प से सभी आलू को घिस लूँगी। आलू हमेशा ठंडे करके ही घिसने चाहिए, तभी हमारी आलू की पूरियाँ बहुत अच्छी बनेगी। गरम आलू की पूरियाँ हमारी अधिकतर फट जाती है। हमारे ये आलू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, हम इन्हें सभी आलू को घिस लेंगे। ये देखिए हमारे आलू इतने अच्छे तरीके से घिसे जा रहे हैं, बिल्कुल इनमें पानी की भाप बिल्कुल भी नहीं है ना। हमारे आलू में अधिकतर घिसते घिसते ही भाप बन जाती है। अब हमारे सभी आलू घिस चुके हैं। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से कम हमने पुदीना पाउडर, 1/4 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मैंने बारीक कटी हरी मिर्च डाली है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ये मैंने पहले ही चॉप करके रखा हुआ था। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि हमारी आलू की पूरियाँ कॉर्नफ्लावर डालने से बिल्कुल भी नहीं फटेगी और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। आप मुझे देखते रहिए, जब ये आप रेसिपी को समझ पाएंगे कि हम इतनी टेस्टी आलू की पूरियाँ किस तरह बनाते हैं। ये हमारा डो आलू का डो अच्छे से रेडी हो गया है मिक्स होकर। अब हम अपने गेहूँ के आटे के डो को देख लेते हैं। ये भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच करीब ऑयल डालकर इसे फिर से दोबारा मुलायम डो तैयार कर लेंगे। हमें आलू की पूरी के लिए हमेशा ध्यान रखना है, डो हमें बिल्कुल मुलायम करना है, ना ही बिल्कुल भी वो केड़ा ना हो, सख्त डो हमें बिल्कुल तैयार नहीं करना, हमें बिल्कुल मुलायम डो तैयार करना है जो हमारी आलू की पूरियाँ झट से बन जाए। क्योंकि अगर हम सख्त डो तैयार करेंगे तो हमारी आलू की पूरी आगे को बढ़ेगी ही नहीं और फट जाएगी पहले ही।
अब हम कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम एक पेड़ा तोड़ेंगे, ये हमने ऐसा छोटी रोटी हाथ से ही फैला ली है। अब हम इसमें अपने आलू की स्टफ भरेंगे और इसे ऐसे घुमा के अच्छे से चकला बेलन पर ऑयल लगाकर बेलन की हेल्प से इसे गोल बेल लेंगे। पूरी का साइज हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। ये देखो हमारी कितनी सुंदर पूरियाँ बनी है। अब हम इसे कढ़ाई में छोड़ देंगे। कढ़ाई का फ्लेम हमने मीडियम फ्लेम ही रखा है, ना तेज़ ना कम। हम इसे ऐसे हल्के हल्के कोनी की हेल्प से घुमा लेंगे। देखो हमारी एकदम फूल के पूरी रेडी हो गई और सीख के भी कितनी सुंदर तैयार हो गई है। इसी तरह हमारी सभी पूरियाँ फूलेगी और फूटेगी बिल्कुल भी नहीं। ना ही तो कोई इसमें ऑयल अंदर जाने की गुंजाइश है और सभी पूरियाँ हमारी फूल कर एकदम रेडी। अब हम हमारी सारी पूरियाँ रेडी है आलू की। इसे दही के रायते के, आलू के रायता, लौकी का रायता, किसी भी रायते के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इतनी टेस्टी पूरियाँ बनकर रेडी हैं। अगर आपको आलू पूरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।